हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंडजी एक्स्ट्रा चैनल से अपराधी खेसारी लाल यादव ट्रेलर रिव्यू झंडजी। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं झंडजी का ट्रेलर रिव्यू। ठीक है, उनका क्या कहना है खेसारी लाल यादव की इस पिक्चर के बारे में, जिसका ट्रेलर अभी रिलीज़ हो चुका है और आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पर भी इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है राजा, दो हत्याओं का आरोपी। अरे भैंस चोर बवाल, मजा आ गया। क्या फिल्म बनाई है, इतिहास रच देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, गदर मचा देंगे, अवतार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मजा आ गया। थोड़ा सा और आगे दिखाओ, थोड़ा सा और आगे दिखाओ। अरे ये नहीं, ये नहीं, गाना है। थोड़ा सा अच्छा सीन दिखाओ, इसके बाद वाला दिखाओ। पूरे ट्रेलर में गाना ही है ज्यादातर। अरे ये भी गाना है, थोड़ा और आगे दिखाओ। तो ये भी गाना है, थोड़ा और आगे दिखाओ। अरे ये भी गाना है, थोड़ा सा और आगे दिखाओ, थोड़ा अच्छा सीन दिखाओ। बस बस खत्म हो गया, ट्रेलर खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, बस इतना ही था, बस खत्म। बहुत पुलिस टेम्पररी को ये भैंस का पूंछ मारो। बहुत तकलीफ होती है तकाल है, बवाल है। ठीक है दोस्तों, खेसारी लाल यादव के एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है अपराधी। पता है ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है? जो फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट होता है वही चीज ट्रेलर में दिखाई जाती है। और अपराधी फिल्म का जो ट्रेलर है ये पूरे के पूरे 5 मिनट 13 सेकंड का ये ट्रेलर है। और इस 5 मिनट 13 सेकंड के ट्रेलर में पूरे के पूरे 4.5 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ गाने सुनाए गए। ये है फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट, गाना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और गाना भी ऐसा ऐसा जिसे सुनकर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। देखो बाइज्जत, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक काम करो, ये फिल्म विल्म बनाना बंद करो और गांव में जाके गोबर उठाओ, वो बेस्ट रहेगा। फिल्म विल्म बनाना आप लोगों के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ क्या, हम तो भिखारी फिल्म बनाते हैं। अरे जब गाना ही दिखाना था तो एल्बम बना लेते, फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? कोई सीमा है मतलब कहाँ तक डुबाना है इंडस्ट्री को? एक कोई तो डेडलाइन होगी ना कि भाई यहाँ तक डुबाएंगे, उसके बाद फिर अच्छी फिल्म बनाएंगे। क्या ट्रेलर है भाई, 5 मिनट का ट्रेलर, 5 मिनट 13 सेकंड का ट्रेलर, और वो भी सिर्फ गाना। किसने ऐसा ट्रेलर, कौन एडिट करता है, किसने एडिट किया है? गांजा वाजा मार के एडिट किया है क्या? पूरा का पूरा गाना ही सुना दे रहा है ट्रेलर में, गजब है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टारों में से एक है, ये उनकी फिल्म है, गजब। बाहर का कोई देखे तो कहे ये बड़े स्टार की फिल्म है, तो नए कलाकारों का क्या हाल होता होगा? खाली मेकअप लगा लेने से या कुछ कर लेने से वो एक्टर नहीं बन जाता, गलत फहमी में यहाँ ज्यादा लोग जी रहे हैं। फिल्म का जो ट्रेलर होता है ना, वही होता है फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन पब्लिक को थिएटर तक खींचने की। ट्रेलर देख कर ही आदमी अपना मन बनाता है कि ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। क्या परोसा है आप लोगों ने ट्रेलर में? गाना, वो भी कोई बहुत बढ़िया गाना भी नहीं है कि कोई सुने बिना मरेगा। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म में कोई कहानी नहीं होगी, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये कहानी होगी, कुछ हिडन कहानी है इसमें। बट किसी थोड़ा सा पढ़े लिखे जानकार आदमी को रखो कि भाई ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है, क्या दिखाना चाहिए। इतना गाना, अगर फिल्म अच्छी भी हुई तो ये ट्रेलर देखकर तो पक्का कोई आदमी नहीं देखने जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का सिनेमा हॉल में इसको रिलीज करने का मूड भी नहीं है, ये टीवी पर ही आएगी। बाकी इस फिल्म में किसने क्या और कैसी एक्टिंग की है
भाई उस पर तो बात ही मत करो, मुझे लगता भी नहीं कि इस फिल्म में कोई एक्टर भी है। सब चूल्हा फूंकने वाले को पकड़ के लेके आए फिल्म बनाने के लिए, एक्टर लाएंगे तो पैसा लगेगा ना। हर बार सोचते हैं कि इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ बड़ा होगा, इस बार कुछ अलग होगा, बट हर बार आना और खेत के मेड़ पर हक के बिना धोए निकल जाना। क्या बना क्या रहे हो यार, कुछ तो समझ में आए। बहुत तकलीफ होती है। क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? हर इंडस्ट्री हर फिल्म के बाद कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती है, कुछ न कुछ नया लेके आती है, और अपनी इंडस्ट्री को और अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हैं वो लोग दिन पे दिन। एक भोजपुरी है जो दिन पे दिन ढांचाओं नीचे ही जा रही है। ऐसा लगता है कोई बैक गियर में गाड़ी चला रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। माना कि चलो भोजपुरी में इतने संसाधन नहीं हैं, तो रियलिस्टिक कहानी के ऊपर फिल्म बनाओ ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो, उस टाइप का कुछ बनाओ। उसमें तो ज्यादा बजट इतना कम था कि उसमें तो ऐसा कुछ बनाओ, बस बिना मतलब का, बिना सर पैर का एक्शन ही करना है। अरे भाई, एक्शन करने के लिए उतने संसाधन होने चाहिए, उतने व्हीकल्स होने चाहिए, उतनी मशीनरी होनी चाहिए, उस लेवल का कैमरा होना चाहिए, कैमरा मैन होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए, एडिटर होना चाहिए, तब एक्शन में देखने में मजा आता है। काइन मास्टर में वीडियो एडिट करने पे एक्शन दिखेगा? ये तो ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई प्ले स्टोर पे गया और फ्री वाला कोई वीडियो एडिटर डाउनलोड किया और उसी में से काट छाट करके एक ट्रेलर बना के डाल दिया। ऐसे एडिट होता है ट्रेलर? खैर तो यार, इस ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और ईमानदारी से मैं अगर अपनी राय बताऊँ तो मुझे ये ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे गंदा और वाहिया ट्रेलर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जिसमें सिर्फ गाना हो। हाँ, अगर ये ट्रेलर किसी एल्बम गाने का ट्रेलर है फिर तो भैया ठीक है, एकदम परफेक्ट है और 100 में से 100 नंबर। लेकिन अगर ये किसी फिल्म का ट्रेलर है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे एक ही बात कहूँगा, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ तो यार देखो, जंट जी का कहना कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। मैंने भी ट्रेलर देखा, मैंने उसका रिएक्शन भी किया, ठीक है, और मैंने सिर्फ यही कहा उसमें कि इसमें भर भर के गाने हैं, ठीक है। और हाँ, वही जो फैमिली वाला वो होता है ना कि हाँ, एक फुल फैमिली बैठ कर देख सकती है, और जो खेसारी लाल के डाई हार्ट फैन, जो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे बस फैन हैं, ठीक है, तो वही देखने जाएंगे अगर ये सिनेमा हॉल में रिलीज़ होती है तो, है ना। तो वही देखने जाएंगे। और दूसरी बात यार, भर भर के इतने सारे गाने हैं, पूरा गाना ही मतलब उसमें भर दिए। 5 मिनट का ट्रेलर कौन बनाता है, पहली बात तो ये बताओ मुझे। मतलब ट्रेलर अगर बनाना था आपको 2.5 मिनट 3 मिनट बहुत होते हैं, 2.5 मिनट 3 मिनट का ट्रेलर बहुत होता है। आप लोग ने और बॉलीवुड की मूवीज़ का या हॉलीवुड की मूवीज़ का, साउथ की मूवीज़ का, पंजाबी इंडस्ट्री की मूवीज़ का, है ना, हरियाणवी मूवीज़ का, कहीं का भी आप ट्रेलर उठाकर देख लो, हमेशा आपको ट्रेलर में सिर्फ 2-2.5 मिनट का ही ट्रेलर मिलता है। कुछ कुछ मूवीज़ का तो, यानी कि आप कभी कोरियन मूवीज़ का ट्रेलर उठाकर देखो तो उनका तो बहुत ही छोटा ट्रेलर होता है, 1.5 या 2 मिनट का ट्रेलर होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें भी वो इतने इम्पैक्टफुल सीन दिखाते हैं, इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन दिखाते हैं कि हाँ, उनकी जो मूवीज़ होती हैं वो अपने बजट से कम 50 गुना कमाती हैं। अभी यहाँ पर केवल गाना ही गाना भर दिया गया है, तो वही है जो लोग खेसारी लाल को सिर्फ उनके गाने के लिए पसंद करते हैं, है ना, तो वही थिएटर में जाएंगे और क्या गाना देखने जाएंगे, या तो वो यूट्यूब पर आने का इंतज़ार करेंगे, टीवी पर आने का इंतज़ार करेंगे, है ना, तो कुछ ऐसा ही होगा। अभी यही चीज़ है भाई, एक नई कहानी तो इसमें है नहीं, वो चीज़ मैंने अपने ट्रेलर रिएक्शन में भी बोली है कि हाँ, उसमें नई कहानी कोई नहीं है, हम लोग देख चुके हैं भाई, 2 हीरोइन है, एक लड़के के पीछे पागल, और उसी में कहानी मतलब ट्विस्ट एंड टर्न कर दी गई है, ठीक। तो ये चीज़ है भाई, कुछ अगर आप अच्छा रियलिस्टिक मतलब फ्रिक्शन के अलावा अगर कुछ और सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शायद कोई एक बार कोशिश करके कोई देखे तो हो सकता है, और दूसरी क्या पता भोजपुरी की जो अदर ऑडियंस है, जो मतलब भोजपुरी मूवीज़ ना देखकर अलग इंडस्ट्रीज़ की मूवी देखती है, ठीक है, भोजपुरी में भी 2 कैटेगरी हैं,
एक कैटेगरी ऐसी है जो प्रॉपर भोजपुरी मूवीज या भोजपुरी गानों पर ही फिदा है, ठीक है, और एक अलग कैटेगरी है जो हैं वो भोजपुरी ऑडियंस, लेकिन वो बाकी चीज़ें देखना भी पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजपुरी में नया कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। खैर यार, ये रोस्ट एंड रिव्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा। तो अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।